तो एक बार फिर से मिले हम नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गाड़ी का गियर किस तरह से चेंजेस किया जाता है, और एक प्रॉपर तरीका हम सीखेंगे कि कितने आरपीएम पर गाड़ी का गियर चेंजेस करना है, जिससे आप ये बात सीख पाएंगे कि कितने आरपीएम पर गाड़ी का गियर बदलना चाहिए, जिससे आपकी गाड़ी का एवरेज अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली इन्हीं के लिए बनाया है जो गाड़ी सीख रहे हैं, या फिर गाड़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर गाड़ी सीखने वाले हैं। तो जिन लोगों की नई गाड़ी है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम आ गए हैं गाड़ी में और हम देखने वाले हैं कि गाड़ी का गियर किस तरह से चेंजेस किया जाता है। मेरी वाली गाड़ी में मैनुअल गियर बॉक्स है, हम मैनुअल गियर बॉक्स के बारे में सीखने वाले हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक भी आता है और मैनुअल भी आता है। तो ऑटोमेटिक को ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होता, और मैनुअल को ऑपरेट करना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो नए ड्राइवर है इनके लिए मुश्किल होता है, और जो नई गाड़ी सीख रहे इनके लिए भी मुश्किल होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से मैनुअल गियर बॉक्स को ऑपरेट करना है। तो आप गियर के नॉब पर देख सकते हैं कि इस पर पैटर्न लिखी हुई है कि किस तरह से गियर को चेंज करना है, पर एक प्रॉपर तरीका होता है जिससे हम आसानी से इसे चेंज कर सकते हैं। तो हमें पहले करना क्या है कि क्लच को पूरी दबाना है, जो ये क्लच है तो हम इसे पूरी दबाएंगे, तो हमें आधी क्लच नहीं दबानी, हमें पूरी क्लच दबानी है। पूरी क्लच दबा के हमें गियर को चेंज करने के लिए इस तरफ से साइड से जोर लगाना है और सामान्य से जोर लगाना है, जो जोर लगा के सिर्फ इसे आगे की ओर खींचना है, तो ये आसानी से चेंज हो जाएगा। अगर आप इस तरह से चेंज करते हो इस तरह से, तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हमें चेंज करना होता है, तो उस टाइम पर ये मुश्किल रहता है। तो इस तरह से हमें चेंज करना है कि हमें थोड़ा सा इस तरफ से जोर लगाना है, तो फर्स्ट गियर इस तरह से लग गया, और इसके बाद हमें क्लच को धीरे से छोड़ना है और रेस को देना है, जिससे कारण ये गाड़ी आगे जाएगी। और इसके बाद हमें सेकंड गियर लगाना है करीब 2000 आरपीएम पर, यहाँ पर लिखा है आरपीएम मीटर पे कि क्रॉस 1000, तो एक क्रॉस 1000 करने पर 1000 आरपीएम हो जाएगा और 2000 आरपीएम दो पर हो जाएगा। तो हमें 2000 आरपीएम के बाद हमें सेकंड गियर लगाना है। तो सेकंड गियर लगाने का तरीका है, सीधे आपको इस तरह से गियर को थोड़ा सा जोर लगाना है और सीधे इस तरह से करना है, तो सीधा ही गियर सेकंड पे आ जाएगा। अगर हम इसे ऐसे निकाल के फिर से हम लगाने की ट्राई करेंगे ना, तो हम सीधे फॉग में आ जाएंगे, तो इसके कारण गाड़ी बंद हो जाएगी, तो वही प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इस तरह से हम अगर गियर चेंज करते हैं तब उस टाइम पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए हमें ऐसा ही करना है कि साइड से जोर लगाना है और इस तरह से करना है, तो फर्स्ट गियर लग जाएगा और फिर से साइड में थोड़ा सा जोर लगाना है और सेकंड गियर नीचे की ओर जोर लगाएंगे तो सेकंड गियर लग जाएगा। तो यह आसान पैटर्न है, इसी तरह से हमें फर्स्ट और सेकंड गियर लगाना है। तो थर्ड गियर लगाने का सबसे आसान तरीका है कि हमें सीधे इसे निकाल देना है, तो ये आ जाएगा थर्ड और फोर्थ के बीच में, क्योंकि न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये थर्ड और फोर्थ के बीच में होता है, तो हमें सीधे इसे सिर्फ आसानी से हम चेंज कर सकते हैं थर्ड में, और नीचे की ओर करेंगे तो सीधे फोर्थ में आ जाएगा। और फिफ्थ को लगाने के लिए आसान तरीका यही है कि हमें इस तरह जोड़ लगाना है और ये लगाना है, तो फिफ्थ में लग गया, और यूएस भी इसी तरह से लगाना है, तो यूएस भी आसानी से लग जाएगा। तो हमने सीख लिया है कि किस तरह से गियर को चेंजेस करना है, और हर एक गियर को हमें 2000 आरपीएम पर लगाना है, फर्स्ट और सेकंड गियर को तो खास, क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकंड गियर में पावर की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा लोडिंग होती है गाड़ी में, ज़्यादा कुछ माल सामान रखा होता है, तो उस टाइम पर हमें 2000 आरपीएम से भी ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। पर हमें अगर हमारी गाड़ी खाली है और हमें तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 2000 आरपीएम से ज़्यादा ऊपर जाए, क्योंकि इस तरह से गियर चेंजेस करने पर हमारी गाड़ी में एवरेज भी अच्छी बनी रहती है। नहीं तो हम ज़्यादा आरपीएम पर गाड़ी ले जाएंगे, अगर हम 4000 या 5000 पर ले जाएंगे तो उस टाइम पर एवरेज कट ऑफ होता है, तो वहीं पर प्रॉब्लम होती है। तो मैंने दिखाया आपको कि गियर को किस तरह से चेंजेस करना है, फर्स्ट गियर को लगाने के लिए ये है, सेकंड गियर को इस तरह से, और थर्ड गियर को लगाने के लिए हमें सिर्फ इसे बीच में लाना है और थोड़ा सा जोर करना है, तो थर्ड गियर आ जाएगा, और फोर्थ गियर लगाने के लिए फिर से बीच में से लगे या थोड़ा सा जोर करेंगे तो फोर्थ में आ जाएगा, और साइड में खींच के ऊपर की ओर लगाएंगे तो फिफ्थ गियर लग जाएगा, और रिवर्स लगाने के लिए भी यहीं साइड में खींच के रिवर्स। और एक बात है कि रिवर्स गियर कभी नहीं लगता चलती गाड़ी में, तो इसका टेंशन मत लीजिए कि अगर यूएस गियर लग गया तो क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम फोर्थ गियर में हैं तो हम फिफ्थ गियर यूएस गियर कभी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अलग टाइप की पैटर्न होती है कि यहाँ से हम सिर्फ फिफ्थ ही लगा सकते हैं, यहाँ से हम यूएस नहीं लगा सकते। यूएस लगाने के लिए हमें फिर से न्यूट्रल करना होगा, फिर से यहाँ पर खींच के फिर से यूएस लगाना, तब भी यूएस लगेगा, क्योंकि हम इस तरह से फिफ्थ से
फिफ्थ से रिवर्स लगाने की ट्राई करते हैं तो ये आता ही नहीं, ये आता ही नहीं, ये न्यूट्रल में आ जाएगा, ये न्यूट्रल आ गया ना तो ये न्यूट्रल में ही आता है तो रिवर्स में लगेगा नहीं, तो रिवर्स लग गया या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। तो हम गाड़ी चला के दिखाएंगे कि हमें कितने देर में हमें गियर को चेंजेस करना है। तो हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके हम आपको दिखाएंगे कि हमें गियर को किस तरह से चेंजेस करना है चलती गाड़ी में। तो हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है और हम देख लेंगे कि पहली बात हम देखते हैं कि मीटर के अंदर बहुत सारे मतलब अभी लाइट दिखाई है आपने, बहुत सारी लाइटें अंदर जल गई थी तो इनमें से कोई भी एक लाइट भी अगर चालू की चालू रह जाती है ना तो मतलब वो प्रॉब्लम होती है कोई भी गाड़ी में, तो इसके कारण वो चालू रहती है। पर ये वाली है, ये तो हेडलाइट की है और ये है अपर की और ये है सीट बेल्ट की। मैं अभी सीट बेल्ट लगा देता हूँ चालू करने से पहले, क्योंकि आप भी सीट बेल्ट लगा के ही गाड़ी चलाएगा और मैं गाड़ी में सीट बेल्ट लगा देता हूँ अभी। तो हमने सीट बेल्ट लगा दी है तो वो वाली लाइट, लाल वाली लाइट थी वो भी बंद हो गई है। तो हम अब देखेंगे फर्स्ट गियर हम लगाएंगे, हमें साइड में करना है और फर्स्ट गियर, ये फर्स्ट गियर लग गया। अब हम क्लच छोड़ेंगे और रेस को थोड़ा सा दबाएंगे तो फर्स्ट गियर में स्टार्ट होगी। तो हम 2000 आरपीएम पर जाने के बाद हम सेकंड गियर लगाएंगे, तो सेकंड गियर लगाने के बाद हमें 2000 आरपीएम पर थर्ड गियर लगाना है, क्योंकि ये वाली गाड़ी पावरफुल है। तो 2000 आरपीएम के बाद हमने सेकंड गियर लगा दिया है और फिर से हम 2000 आरपीएम पर जाएंगे और थर्ड गियर लगाएंगे। जबकि हमें बहुत ही ये प्रोसेस फास्ट करनी है, जबकि मैं तो आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मतलब दिखा रहा हूँ और बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा देर लग रही है, पर हमें ये फास्ट करनी है। देखो अब 2000 आरपीएम पर फिर से जाएगा तो हम इसे थर्ड गियर में डालेंगे, तो थर्ड गियर में ये डाल दिया, ये थर्ड गियर में डाल दिया और अब हम फिर से 2000 आरपीएम पर जाएंगे और फिर से थर्ड गियर लगाएंगे। तो हमें 2000 आरपीएम पर जाना होगा, क्योंकि 2000 आरपीएम पर थर्ड गियर जब जाएगा तब मिनिमम मेरी वाली गाड़ी की स्पीड होती है 60 के आसपास हो जाती है। तो 60 की स्पीड पर जाने के बाद हमें थर्ड गियर से चौथा गियर डालना है और चौथा गियर से फिफ्थ गियर हमें हाईवे पर ही डालेंगे, क्योंकि हाईवे पर अच्छा रहता है, हम अच्छी सड़क ना हो तो हमें फिफ्थ गियर डालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हमारी गाड़ी पावरफुल है तो फोर्थ गियर में तो बहुत ही मतलब 100 से ऊपर पहुँच जाती है, तो उस टाइम पर मतलब फिफ्थ गियर डालना ठीक नहीं रहता, क्योंकि फिफ्थ गियर में 100 से ऊपर वाली भी स्पीड पर जाएगी। तो हम लगाएंगे अब फिफ्थ थर्ड गियर, तो थर्ड गियर के लिए हम 2000 आरपीएम पर जाने का वेट करेंगे, तो 2000 के लिए हम जाने के देंगे। अब हम गए हैं तो ये 2000 आरपीएम पर चेंज हो गया, तो हम इसे फोर्थ गियर में अब डाल देंगे। तो हमने फोर्थ गियर में डाल दिया है और सामने से बस आ रही है तो मैं थोड़ी सी तेजी करता हूँ गाड़ी। और फोर्थ गियर को हम 2000 आरपीएम पर जब चेंज करेंगे तब हमारी गाड़ी की स्पीड करीब 100 के आसपास हो जाएगी, तो उस टाइम पर हमें थोड़ा सा संभल के चलानी है गाड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में हमें नहीं जानी, ओवर स्पीडिंग में हमें कभी गाड़ी नहीं चलानी है। तो इसी प्रकार से हम अगर गाड़ी चलाएंगे तो एवरेज भी अच्छी बनी रहेगी। और मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप फिफ्थ गियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फिफ्थ गियर में गाड़ी बंद हो जाएगी, फिफ्थ गियर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही कम स्पीड है, 40 की स्पीड है, तो हम 40 की स्पीड पर भी फिफ्थ गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिफ्थ गियर हम लगाएंगे तो ये वाला फिफ्थ गियर लग गया, तो तब भी गाड़ी जा तो रही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर थोड़ा सा जो आरपीएम होना चाहिए था इसके कारण थोड़ी सी स्पीड होती है तो बहुत अच्छा रहता है। इंजन के अंदर से एक अजीब सी एक आवाज़ आएगी, मतलब इंजन जोर पड़ गया, इंजन पर जोर पड़ गया है उस टाइप का लगेगा, तो हमें वो नहीं करना है। तो हमें एक तरीके से मतलब एक पैटर्न से हमें गियर को चेंजेस करना है, और फिफ्थ गियर का डालने के बाद भी कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, पर हमें थोड़ी सी अच्छी खासी स्पीड आने के बाद ही हमें फिफ्थ गियर डालना है। तो हम फिर से फोर्थ में डाल देंगे और जाने देंगे, और हम चाहे तो 60 की स्पीड पर फिफ्थ गियर को चेंज कर डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिफ्थ गियर को हम डाल देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हमें 65 की स्पीड पर ले जानी है, क्योंकि 65 की स्पीड पर हम जाएंगे तो हमें अच्छी खासी एवरेज मिलेगी, एक तरीके से बहुत ही अच्छी खासी एवरेज मिलेगी। अगर हम 100 की स्पीड से चला गए, 100 या 100 से ऊपर, तो एवरेज की आशा मत करिए, क्योंकि इतनी स्पीड पर तो कोई अवैध नहीं देती गाड़ी, और ये वाली गाड़ी तो कुछ भी नहीं रहती। तो आप देख रहे हैं एवरेज भी चेंज हो गया है वहाँ पर, और देख रहे हैं आप 16-15 पहुँच गए, तो ये 21 भी कुछ टाइम पर दिखा देती है, मतलब 21 की एवरेज तो नहीं रहती पर दिखा देती है। तो ये है जरा
ये देखो 16 वगैरह दे रही है ना, तो मतलब स्पीड पर जाता है, हमारी स्पीड बहुत ही कम है, मतलब 60 के आसपास है, तो अच्छी एवरेज मिल जाएगी आपको, पर हमें स्पीड में जाएंगे तो एवरेज नहीं मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो नए नए लाते रहेंगे और इस टाइप के वीडियो के बाद हम सीखेंगे कि क्रूज़ कंट्रोल को किस तरह से यूज़ किया जाता है और इसका क्या उपयोग होता है। तो वो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, और नेक्स्ट वीडियो का के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।